हेलो गाइस, स्वागत है आपका द पावर टेक्निकल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पे बार बार ऐड आना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि ऐसा लगता है कई बार कि फ़ोन कहीं किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर आने वाले ऐड को कैसे बंद करें। आइए चलिए सीखते हैं, सिंपल सी वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। सबसे पहले आपने सेटिंग्स पर आ जाना है। आपके मोबाइल की जो सेटिंग्स होती है उस सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है, आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में सबसे डाउन की तरफ आ जाएंगे आप, वहाँ पे आपको गूगल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गूगल अपने सेटिंग्स में आपने सर्च कर लेना है, चेक कर लेना है। तो गूगल पे आपने ओके करना है। और गूगल पे ओके करने के बाद में यहाँ पे देखते हैं ऐड, ऐड के ऑप्शन पे देखते हैं, इस पर क्लिक कर देना है आपने। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, रीसेट एडवर्ट एडवर्टाइजिंग आईडी और एक हो गया डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी। इन दोनों में से आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने बैक आना है, इसको भी करना है आपने, मैं बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैनेज योर अकाउंट, गूगल अकाउंट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद में सिंपली जो जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम आपने वही करना है। आपने उसके बाद में जाना है डेटा एंड प्राइवेसी पे। डेटा एंड प्राइवेसी पे आप जाके देखेंगे तो जो हमारी ऐड है, जो यहाँ पे डाटा आप देख रहे हैं, मैंने लोकेशन ऑफ करके रखा हुआ है, और एक जो ऑप्शन होता है हमारा ऐड का, वो हमें अंदर की तरफ इसमें दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देख रहे हैं माय ऐड सेंटर, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन पहले वहाँ पे आता था सेटिंग्स पे, अब इसको अंदर कर दिया है। लोगों ने क्या किया था, कई बारी बंद करते हैं, कभी चालू करते हैं, इस रीजन की वजह से गूगल ने इस फीचर्स को अंदर कर दिया। तो इस फीचर्स के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखो ये ऐड, बहुत तरीके के ऐड जो चलते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कोई भी गूगल पे सर्चिंग करते हैं तो यहाँ पे जो ऑन लिखा हुआ है ये भी डाटा जो है गूगल के पास जाता है। यूट्यूब में हिस्ट्री आप क्या देखते हो वो भी हिस्ट्री इनके पास रहती है सारी कुछ, और आप कोई मैप वगैरह कभी भी ऑन करते हो तो सारा डाटा इनके पास रहता है। अगर ये सारी चीज़ आपने बंद करनी है तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ऑन ये पर्सनलाइज्ड ऐड, यहाँ पे ये इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में लास्ट में आप देखेंगे टर्न ऑफ, टर्न ऑफ इसको कर देंगे तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जो आपके मोबाइल में बार बार ऐड आते हैं तो सारा कुछ ऐड यहाँ से ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद में जैसे कि जो भी ऐड का फंक्शन है ये मेरा ऑफ हो चुका है। उसके बाद में आपने क्या करना है, आप आइए बैक की तरफ, और बैक करने के बाद में जो हमारा एक ऑप्शन था जो ऐड का, इस ऐड के ऑप्शन पर जाना है, और जो आपकी आईडी है एडवर्टाइज आईडी, वह इसको आपने डिलीट कर देना है। सिंपली आपने यही करना है, कुछ भी नहीं करना, और ये डिलीट करने के बाद में आपने बैक आ जाना है, और अपना जो आपका जो मोबाइल है वो बिना किसी इशू के आप यूज़ कर पाएंगे, ऐड फ्री मोबाइल यूज़ कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, बाकी 100% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।